हो गया दो दो बोतल। ये किसकी डॉक्टर है? ये किसकी है? हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। तो स्माइली का बहुत शौक है मेरे बेटे को, तो मैंने फटाफट से ये बनानी सीख ली और जब मैंने बनाई बहुत टेस्टी बनी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना तो बनता है। तो चलिए चलते हैं सीधा रसोई में, जहाँ पे रस टपकता है उसी को बोलते हैं रसोई। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5-6 नहीं 7-8 बड़े आलू, और इनको मैंने जो है बॉयल कर लिया था और निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में से निकालने के बाद यहाँ पे मैं लेके आई हूँ और करूँगी इनको ग्रेट। देखिए, 2-3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं स्माइली में, ज़्यादा नहीं चाहिए होती हैं। तो आलू को ग्रेट करना है, लेकिन इसका कचूंबर नहीं निकालना है आपको, कचूंबर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। और इसके अंदर आप चाहें तो 1-2 चम्मच आप सूजी डाल सकते हैं, तो जो कॉर्नफ्लावर है वो थोड़ा कम डलेगा। तो यहाँ पे 7-8 आलू में मैंने ये 3-4-5 चम्मच के करीब डाल दिया है कॉर्नफ्लावर। तो आप इसमें 2 चम्मच अगर सूजी डालेंगे तो कॉर्नफ्लावर का जो आटा है वो कम डलेगा। और थोड़ा सा स्वाद के लिए डाल दिया है हमने इसमें नमक, और बस करना है इसको मिक्स मिक्स मिक्स। देखो, मिक्स करना है सिर्फ, इसको जो है आटा नहीं गूंदना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा ना, तभी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं स्माइली। और इसको आटे को लगा करके रख देना है कुछ घंटों के लिए फ्रिज में। अगर आपका यहाँ पे आटा थोड़ा मतलब लिक्विडी हो जाता है, या थोड़ा कहते हैं ना पानी छोड़ देते हैं आलू कई बार, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लेनी है 2-3 स्लाइस किसकी, ब्रेड की। और ब्रेड को जो है ना आपको ग्रेट कर ले, नहीं यार ग्रेट नहीं करना, क्या बोल रही हूँ यार मैं, तो ब्रेड को आपको जो है कर लेना है, पाउडर बना लेना है ग्राइंडर में डाल के, और फिर इसके अंदर मिक्स कर देना है, और इसको डो को लगा के बंद करके आपको इसको रख देना है फ्रीजर में या फिर फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए। फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, मतलब जल्दी काम बन जाएगा। तो 2-3 घंटे हो गए हैं और आटा देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल सेट हो चुका है। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लिया है जिससे हम इसको शेप देंगे। तो फटाफट एक गोला बनाते हैं और उसको हाथ से थोड़ा सा तेल लगा के उसको अच्छे से गोल रोटी बना लेंगे। थोड़ा मोटा ही लेना, जितनी मतलब मोटी स्माइली होती है उतना मोटा आपको जो है रोटी बनानी है। और ये मैंने थोड़ा मतलब स्माइली के साइज़ का ही था मेरे पास छोटा सा ये मसाले का डब्बा, इसको मैंने खाली किया और फटाफट से गोल गोल से मैंने स्माइली कट कर दिए। और जब आप स्माइली कट करें तो आपको क्या करना है, कॉर्नफ्लावर में जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा डिप कर लेना है। उससे क्या होगा कि हमारे स्माइली चिपकेंगे नहीं उस बर्तन में। यहाँ पे मेरी जो स्पून है वो थोड़ा राउंड शेप की है, तो फटाफट से मैंने आइज़ बनाई और स्पून का जो आगे का हिस्सा होता है उससे मैंने इसकी स्माइल बना दी। तो देखिए मेरे स्माइली बन गए और कितने स्माइल कर रहे हैं, है ना। बस ज़्यादा कुछ नहीं है स्माइली में, और इतना महंगा हम मार्केट से लेकर के आते हैं, इससे अच्छा है कि घर पर बना के इनको स्टोर करके रख दे फ्रिज में, फ्रीजर में, और जब भी कोई आए या बच्चों का मन हो तो फटाफट से आप इनको फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, गेस्ट को दे सकते हैं हैं। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैं चावल के पापड़ बना रही थी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी क्या दूँ मैं आपको, फिर कभी फ्री होंगी तो ज़रूर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो दूंगी। तो कैसी लगी मेरी स्माइली की रेसिपी, इजी एंड क्विक? और हाँ, आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, आप इसको एक पॉलीथीन लेंगे, एक पैकेट लेंगे और उसके अंदर स्माइली रखेंगे, और रखने के बाद उसको बंद करके आप उसको जो है फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए, और जब भी मन करे निकालें और खाएं। तो मेरी इस रेसिपी ने स्माइली जो लवर हैं उनके बहुत सारे पैसे बचा दिए हैं। फटाफट घर पर बनाएं, खाएं और एंजॉय करें, सालों साल चलेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रही थी चावल के पापड़, तो ये मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो हो जाता है बहुत 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 सारा लॉन्ग, और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, और मुझे बोर बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे मुझे चावल के पापड़ या चावल की कचरी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये होली पर हमने तैयार किया था, घर में थे क्या कर सकते थे, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा लॉकडाउन में, है ना। तो देखिए मेरे पापड़ बन चुके हैं, बस इसको मैं अब जो है वीडियो को करूँगी एक पे एंड। और हाँ, एक चीज़ आपसे और शेयर करनी थी, ये मेरी वीडियो जो है 2 साल पुरानी है, मतलब मेरा जो छोटा बेटा है उसकी 2nd होली की वीडियो है, और वो हमने जो 2nd होली उसकी थी वो बनाई थी लॉकडाउन में, क्योंकि 1st वाली होली में वो 2-3 महीने का था, तो तब तो उसको इतना नहीं पता था, लेकिन 2nd होली में क्या है कि लॉकडाउन लग गया था, तो घर घर में
बच्चा था और बस हमने यही घर में ही बनाया खाया। तो देखिए घर में तो बंद हो गए थे सभी बच्चे और हमारा बिल्कुल पास में ही है बैंक्वेट हॉल, तो हम बच्चों को लेकर के वहाँ पे आए थे ताकि थोड़ी देर ये खेल भी लें और होली जो है वो बना लें। तो यहाँ पे इन्होंने होली भी बनाई और खेला, खूब इंजॉय किया और बस उसके बाद फिर घर में पैक हो गए। चोर उचक्कों की तरह ऐसे ही तो जेल में बंद थे ना यार, बहुत डर लगता था। हम अपनी वाटिका में भी आए थे तब भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब क्या निकलेंगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, प्लीज़ ना देख ले। लेकिन बच्चों को इन्जॉय कराना था सो